हेलो दोस्तों, SSC MTS SSC CHSL के लिए महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा की बाहरी परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो एपिडर्मिस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी मेंढक करता है, मेंढक करता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता? ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिका में कैसा केंद्रक पाया जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न, मलेरिया और कालाजार रोग किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न है, म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आनुवंश की गलती के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण थकावट पैदा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी व्हेल में गलफड़े नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गेहूं में नहीं होती है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन आंसर इज द राइट आंसर बी हीमोग्लोबिन है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो आंसर सी शरीर के वजन का 7% होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, भाइयों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य करना। लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर, घटता है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लाज्मोडियम है। अगला प्रश्न है, पौधा और जंतुओं के बीच की इवेजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी एगुलिना को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आंसर ए प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तक का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी रक्त उत्तक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है? ऑप्शन नंबर बी अस्थियों को अस्थियों से अर्थात हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? तो ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है,
ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, समजात अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रचना में समान होते हैं। अगला क्वेश्चन, समरूप अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्य में समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? डार्विन जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांश की पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए डीएनए है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जोहानसन दिए थे। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं तो खुराना, इनका पूरा नाम डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। अगला क्वेश्चन, जीन है आंसर डी, डीएनए का एक भाग जीन होता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी की इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जीन होता है आनुवंशिकी की इकाई। अगला प्रश्न है, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो रूबीज टीके की खोज किया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लुविन हॉक ने किया था जीवाणुओं की खोज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने किया था आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन, देवनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए लीनियस हैं। अगला क्वेश्चन है, द हिंद भाइयों, यदि आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। जय हिंद।